चलो पानी भी दे। हाँ। अरे अब फिर से वो चपरासी कहेंगे कि हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। नहीं, अब पानी पीने के लिए हाथ नीचे नहीं लाना होगा, बल्कि पानी सीधे मुंह तक आएगा। देखो क्या है, चपरासी लोटे से इधर से पानी डालेगा और तुम लोग इधर मुंह करीब ला करके एकदम नजदीक से पानी पीना, ठीक है? ये लो। धन्यवाद गुरुजी। चलो गाने दो। भीम, मुझे माफ करना, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं समाज के इस भेदभाव को खत्म कर सकूं, लेकिन ये बस तुम्हारे लिए कोशिश है कि इस भेदभाव भरी दुनिया में तुम थोड़े अच्छे से जी सको, पढ़ सको। साहब, बच्चे नया नया स्कूल में दाखिला करवाया है, किताबें लेनी है, फीस भरनी है, बहुत ज़रूरतें हैं साहब, और आप कह रहे हैं कि अभी तक पेंशन नहीं आई। ऐसे कैसे हो गया साहब, अभी तक तो पेंशन आ जानी चाहिए थी, मैंने मेरे सारे कागजात पहले से ही जमा कर दिए थे। हाँ, आ जानी चाहिए, लेकिन नहीं आई तो क्या करें, सरकारी मामला है और पेंशन ट्रांसफर में कई बार ऐसा होता है। देखिए साहब, मेरे पास कुछ काम नहीं है और पूरा घर चलाना है, पैसे भी नहीं है, बहुत तकलीफ हो जाएगी, अगर पेंशन नहीं मिली तो हम लोग जिएंगे कैसे। हम तो बस अपना काम करते हैं, आएगा तो पैसे रख थोड़ी ही लेंगे। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हम कोई सरकार बहादुर नहीं है, छोटे से मुलाजिम हैं, हाथ बंधे हुए हैं हमारे, और आपको बहुत जल्दी है तो कुछ काम ढूंढ लीजिए। कहाँ काम ढूंढ ले, बताइए ना, कहाँ काम ढूंढ ले, जहां जाता हूं बस यही पूछते हैं कौन जात के हो, और जात का नाम सुनते ही भगा देते हैं। इतने सालों तक कंपनी की सेवा की है, आप मेरी मुश्किलों को समझ रहे हैं ना, दिला दीजिए ना आप ही कुछ काम, यहां ऑफिस में कुछ काम करूं, करने देंगे आप, बताइए ना करने देंगे, या फिर आप भी पूछेंगे मेरी जात क्या है। लेके जाइए इन्हें यहां से, चलो जाइए। चलो राम जी। अरे राम जी, राम जी सुनो तो, अरे राम जी सुनो तो मेरी बात, राम जी ऐसे हिम्मत नहीं हारते, बैठो पहले यहां, यहां पे बैठो आराम से, धीरज रखो, सब सही हो जाएगा। और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब भी कहीं नौकरी के लिए जाओ तो अपना नाम गलत बताओ, लेकिन तुम हो कि अपना नाम कहीं गलत बताते नहीं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो ईमानदारी का भूत सवार है। राम जी अगर कहीं सकपाल की जगह कुछ और बता दोगे तो क्या गड़बड़ जाएगा। हाँ, और तुम ही कहते थे ना कि दुनिया में कुछ छोटा या बड़ा नहीं होता, सब बराबर होता है, तो ये फिर नाम गलत बताने में क्या दिक्कत है। तो क्या करें हम, अगर जल्दी से कोई काम नहीं मिला तो मेरे बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा। अरे राम जी ऐसा कुछ नहीं होगा, इतने समझदार होके तुम ऐसी बातें कर रहे हो, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा धीरज रखो।
अभी चलो यहाँ से, देर हो रही है, घर चलना है, चलो चलो। ये लो, पीस कर चम्मच चम्मच पिलाते रहना, ठीक हो जाएगी। मीरा जल्दी जाओ, चल तुलसा, चल चल चलो बेटा, जाओ चलो। अरे जा कहाँ रहे हो कुलकर्णी, बैठ जाओ, आज वैद्य जी हम सबको चाय पिलाएंगे। यहाँ तक आने के अच्छे खासे पैसे मिले होंगे वैद्य जी। अरे कितनी चाय पियेंगे, और वैसे भी इन पैसों की चाय पियेंगे ना तो पचेगी नहीं, मुद्रा में दोष है। अरे वैद्य जी पैसे थोड़ी ना अछूत होते हैं। मुझे तो आज पता चला पैसा भी उच्च जाति का होता है। अरे मैं तो ये कहता हूँ पैसा तो मनुष्य योनि का है ही नहीं, इसकी जाति ही अलग है जो सबसे ऊंची है। तो वैद्य जी क्या कह रहे हो, बना दूं चाय सबके लिए आपके तरफ से? ठीक है बना, चाय बनाते। बन गई जड़ी बूटी? हाँ ला रही हूँ बुआ। जरा जल्दी जल्दी करो ना दीदी। रंजन भाई मेरी बीवी की हालत देखी नहीं जाती, लेकिन बच्चों के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता। राम जी भाभी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, थोड़ा हिम्मत रखो, देखो सारे बच्चे मिलकर किस तरह सेवा कर रहे हैं भाभी जी की। क्या कह रहे हो वैद्य जी, बचेगी या निपट जाएगी? देखो भैया दवा देना मेरा काम है और दुआ देने का तो इनका विभाग है। अरे वैद्य जी दुआ आपकी दवा की जैसी नहीं है जो सब पर एक जैसा असर करे, दुआ तो उसके लिए काम करती है जो उसके लायक हो। धन्यवाद पुरंजन भाई, अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मेरी घरवाली। क्यों नहीं होता मैं, अरे दोस्त हूं तेरा, हर कदम पे तेरे साथ हूं, और इसमें धन्यवाद की क्या बात है? हाँ परिवार खुश रहे और क्या चाहिए। चल अभी मैं चलता हूँ, भाभी का ख्याल रखना।
बस भी कीजिए, अभी ठीक हूँ मैं। रहने दो, बच्चे देख रहे हैं क्या सोचेंगे। यही कि बड़े होकर वो भी अपनी बीवियों का सर दबाएंगे। अरे बच्चों आ जाओ, मैं तुम लोगों को एक नई कहानी सुनाती हूँ। आई, मैं कहानी सुनकर आता हूँ। राम जी, यहाँ काम मिल सकता है, लेकिन हमारी जात छुपाकर। दिन भर के कुछ 8 आना मिलेंगे, बस मुंशी को हमारी जात का पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ अनाज ढोने का काम किया जा रहा है। हम सारे मजदूर ना साथ में मिट्टी ढोने का काम करते हैं। जब बड़े लोगों का घर बनता है तो हम सब मिलकर साथ में काम करते हैं। ये मजदूर भी तो। लेकिन राम जी, ये लोग हमारी जात के नहीं है, हम लोगों से एक सीढ़ी ऊपर हैं। अरे परंजन, कहाँ हो भाई आजकल? बस भाव। और क्या चल रहा है? थोड़ा काम के लिए परेशान है, काम ढूंढने आए। तो यहाँ आ जाओ ना, यहाँ आज मजदूर भी कम है। लेकिन भाव, हमारी जात। अरे कुछ नहीं, साथ में मिट्टी ढोते हैं ना, तो आज बोरा ढोलेंगे तो क्या हो जाएगा। अरे ये सब बड़े लोगों के चोचले हैं, जाति भले ही अलग हुई, हमारी और तुम्हारी गरीबी तो एक है ना। आ जाओ, मैं मुंशी से बात कर दूंगा। चलो चलो। नहीं भाई, तुम जाओ, मैं झूठ नहीं बोल सकता। भाव, ये मेरा दोस्त है, झूठ नहीं बोलता ये। अरे तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, बस अपना मुंह बंद रखना है। अरे और भी तो लोग हैं यहाँ तुम्हारे जैसे, जो अपना काम कर रहे हैं। हमें कौन सा फूल और चंदन समझते हैं, हम भी इनकी चौखट के भीतर कदम नहीं रखते। आ जाओ, इतना मत सोचो, चलो। चलो राम जी, अंगोचे से हम भी मुंह ढक लेते हैं, जिससे हमारी जात भी छुप जाएगी। चलो। क्या है? इन दोनों को लाया हूं काम के लिए। तो मेरे लोग हैं, मेरी बिरादरी के हैं। ठीक है, नाम बोलो। जी, मेरा नाम पुरंजन है और इसका नाम राम जी। जाओ, जल्दी से काम शुरू करो। चल चल। बहुत घना है, कैसे घुसेंगे? अरे घुस जाएंगे। भीम, तू यहीं पर ही रुक, हम बेर तोड़कर आते। ओए, कहाँ घुसे जा रहे हो? क्यों, हम कुछ भी करें तुमसे क्या मतलब? बेटा, अगर खेत का मालिक आ गया ना तो तुम लोग बहुत मार खाओगे। ये जंगल किसी का नहीं है, मैंने देखा है यहाँ बकरियों को चरते हुए। वो बकरी तुम्हारी नहीं होगी, वो ऊंची जात वालों की होगी। पाला भैया, बकरियों की भी अलग अलग जाति होती है। अरे वो पागल था, वो कुछ भी बोल रहा था, इन झाड़ियों को कोई नहीं पूछता। चल आनंद, हम बेर तोड़ कर आते। चल भीम, भीम अगर कोई भी आए ना तो हमें आवाज दे देना, ठीक है? खेतों के मालिक ने हमें देख लिया और बाबा को बता दिया तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए तो मैंने भीम को बाहर खड़ा किया। अगर कोई भी आएगा तो वो हमें बता देगा।
ये बेर का लालच मत कीजिएगा। जो हमारे पास है वो अपना और जो नहीं है वो नहीं है, समझे? तू मुझे क्या बोल रहे भीम? ये सब तो इस आनंद का किया दर है। इसी का भाषण था ना कि बचपन क्या है, नदी में तैरना, आम खाना और झाड़ियों में घुसकर बेर खाना, इसे समझा? हाँ, मैं ही सबसे बुद्धू हूँ ना, इसे समझा। आप बड़े भाई हैं, मैं बहक रहा था तो आपको तो मुझे रोकना चाहिए था। आनंद मुझे दोष ना दे। तो हमको भी दोष ना दो। अगर मैं कुएं में कूदने कहूंगा तो कूदेगा? तो आप क्यों कहोगे कुएं में कूदने के लिए? अब बस करो भाई, लड़ो मत। बाला भैया आप निकलो और आनंद भैया को हाथ पैर धोने दो। जाओ आनंद भैया। ये लो राम जी, चार आने रखो रखो। क्या कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी भी कुछ जरूरत है। अरे रखो, अब मुझे तुम्हारे भाषण नहीं सुनने। अरे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसका क्या मतलब कि तुम कुछ भी मुझे बोलते रहोगे और मैं सुनता रहूंगा? चुपचाप रखो इसे। लेकिन। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, रखो इसे, नहीं तो आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। अरे भाई ऐसा मत करना, एक तू ही तो है जिसके सारे इस अनजान शहर में मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अरे फौज के लड़ैया हो तुम, हम कौन होते तुम्हें सहारा देने वाले? बस तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है इसलिए हम रहते हैं, और हमारा भी तो ज्ञान बढ़ता है। अरे ज्ञानी बाबा, अपने ज्ञान के भंडार को इस डीपरी आग में क्यों जलाना चाहते हो? चट्टा वो चाहिए, बड़े पीछे हटके बैठिए। अरे भीम, तू 40 तक का पाला याद करेगा क्या? मैं तो सुन के ही सर घूम रहा है। तुझे याद कैसे होता है? बार बार करने से ही तो याद होता है, मुझे याद करने दो। हो गया, अंदर पेटी में रख दीजिए। अरे वाह, तेज चौक, आज तो मेरे सारे बच्चे इकट्ठे पड़ रहे हैं। हाँ बाबा। अच्छा अच्छा, आई गो। तुलसा मंजुला, चलो आज मैं तुम लोगों को हिसाब सिखाऊंगा। दीदी, थोड़ी देर में मैं भी तुम दोनों को तेईस का पहाड़ा सुनाऊंगा। अरे वाह। किताब दो। तेईस एकम तेईस, तेईस दुने छियालीस। बाबा मेरा हो गया। लगता है तेल खत्म हो गया। जाओ देखो तेल कहाँ है। जल्दी जाओ। आहिस्ता। तुलसा संभाल के। क्या हुआ बेटा, इतनी देर क्यों लग रही है? तेल का डब्बा मिल नहीं रहा है बाबा। बे बेटा तुम यही रुकना, ठीक से देखो बेटा, यही कहीं होगा। तुम बाजू उठो, मैं देखता हूँ।
बहुत अंधेरा है। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ कि वास्को डिगामा कौन था? तुम बताओ, उठो। जी जी, दिल्ली का राजा था। गलत जवाब, बैठ जाओ। कोई और बताएगा? अरे कोई तो बताओ। नहीं बताया तो बहुत मार पड़ेगी। गुरुजी, हमें ये नहीं पढ़ाया है। हमें पढ़ाया था? पढ़ाया नहीं, मतलब अब तक तो ये पाठ खत्म हो जाना चाहिए था। हाँ गुरुजी, अब तक तो ये पाठ हमें पढ़ाया ही नहीं गया। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो? ऐसे पढ़ाते हैं बच्चों को? इस विषय का अध्यापक कौन है? सर मैं ही हूँ, लेकिन गुरुजी ने सिखाया था, पर हम में से किसी को भी याद नहीं है। ये झूठ बोल रहा है। गुरुजी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। भीम सही कह रहे हैं, गुरुजी ने हमें पढ़ाया था लेकिन हम में से किसी को याद नहीं है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? भीम राव। सच बोलने की हिम्मत रखते हो तुम? आओ मेरे साथ। अभी एक बार इनको जाने दो, बाद में बताता हूं तुम सबको मैं। ध्रुव अब तो बहुत मार पड़ेगी। बस इस भीम के चलते इसी ने गड़बड़ किया। हाँ। इसने नहीं बताया होता कि गुरुजी ने पढ़ाया हमें याद है तो सारा दोष गुरुजी पे ही जाता। बहुत काबिल बन रहा है, भीम को सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ एक काम करते हैं, भीम की सारी किताबें फाड़ देते हैं। ये गलत है। तू चुपचाप बैठा रहे वरना तेरी भी किताबें फाड़ देंगे। चुपचाप बैठा रहे। जीवन में ऐसे ही सच बोलते रहना, झूठ से सहूलियत तो मिल सकती है मगर आखिर में सच ही काम करता है। ये रहा तुम्हारा सच बोलने का इनाम। सत्यवादी, ये है उसके सच बोलने का फल। भाई ये हमारी किताबें किसने फाड़ दी? फाड़ी ना हमारी किताबें। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम लोगों ने फाड़ी ना हमारी किताबें? हाँ फाड़ी तो अब मारेगा। तू घूरेगा तो क्या हम डर जाएंगे? ले डर गए।